मैंने जस्ट एक ही वीडियो शूट करी थी, वो भी अनाउंसमेंट वाली, एंड अभी ऐसे तैयार होके पूरा सुंदर सा बन के मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, एंड इट फील्स सो गुड। एंड ऑल्सो गाइज, अभी ना मैं अपने पुराने वाले सेटअप पे नहीं बैठ रही क्योंकि वहां पे चेयर पर बैठना पड़ेगा, और मेरी हुई है सी सेक्शन डिलीवरी, तो ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो इसीलिए मुझे बेड पर बैठना थोड़ा सा भी कंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा सा जब ये हील हो जाएगा फिर मैं अपने पुराने सेटअप में आ जाऊंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। ऑब्वियसली अगली वाली वीडियो भी बहुत अच्छी, ऐसे मत सोचना। एंड जैसे मेरी डिलीवरी हुई, मैंने कर ली अमेजोन से बहुत सारी शॉपिंग, क्योंकि मैं क्रेव करी थी शॉपिंग का, क्योंकि इतने टाइम से करी नहीं थी। एंड ऑल्सो मैंने कपड़ों की भी बड़ी सारी शॉपिंग करी थी, वो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। मैं बेड के ऊपर लेटी हुई थी, मुझे पेन्स हो रही थी लिटरली, एंड मैं अर्बैनिक में ना शॉपिंग करी थी, कपड़े ढूंढ रही थी कि मैं क्या लूं, वो आपने मेरे व्लॉग में देख ही लिया होगा, अगर नहीं दिखा तो आप देख सकते हो व्लॉग, बड़े मजा आएगा आपको। एनीवे गाइस, बेबी आ गया है, एंड अभी बेबी कहाँ पे है, वो अपनी दादी के पास है, वो सो रही है। सो अभी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। जैसे ही वो सोई मैं भाग के आ गई वीडियो शूट करने के लिए। जब मैं बोलने बैठ गई ना, मैं बोलती रहूंगी, लेट्स सी कि मैंने अमेजोन से क्या क्या शॉपिंग करी है। ऑल्सो अगर आपको भी करनी है, आप भी भाग के जाके कर लो, क्योंकि अमेजोन के ऊपर चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जो कि जल्दी खत्म भी होने वाली है। सो मेक श्योर आप फटाफट से सेल का फायदा उठाओ, बहुत सही से डिस्काउंट थे, ऑब्वियसली तभी तो मैंने शॉपिंग करी है, अगर इतने सारे डिस्काउंट ना तो क्या मैं करती नहीं, मैं फिर भी करती क्योंकि आई एम क्रेजी फॉर शॉपिंग। एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने लिया ये मेबलिन का, दिस इज फिट मी फ्रेश टिंट, तो ये एक्चुअली फेस टिंट है, दिस इज समथिंग रियली न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी फेस टिंट ट्राई नहीं किया। आई थिंक फेस टिंट कोई है भी नहीं मार्केट में, अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके लिए मैंने एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो वो मैं जल्दी डाल दूंगी, तो आप देख लेना। सो फर्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस। ऑल्सो ये सबसे पहले अमेजोन पे अवेलेबल था, नायका वगैरह पे नहीं था, तो इसलिए मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे ट्राई करना था। ऑफकोर्स क्योंकि आजकल ना लाइट मेकअप बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इतना ज्यादा हैवी फाउंडेशन और इन सब का ना ट्रेंड नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा केकी हो जाता है, तो दिस इज रियली नाइस, काफी ज्यादा लाइट वेट है, एंड आई थिंक इसको डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में ही ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मतलब। सो आई रियली लाइक इट। मेरा शेड है इसमें 01। गिर गया, चलो। नेक्स्ट स्टेप, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कौन सी लैशेज यूज करते हो, तो गाइस ये वाली वैसे मैं यूज नहीं करती हूँ, बट इसको मैंने अभी पहली बार ही ट्राई करने के लिए मंगवाया। दिस इज द मिस क्लेयर लैशेज, इसके बारे में मैंने काफी अच्छी अच्छी सी बातें सुनी थी, सो आई थॉट कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड दिस वन इज इन द नंबर 50, लाइक इसके ऊपर 50 ऐसे दोनों पे लिखा हुआ है, 50 50 100 हो गया, बट नंबर इसका 50 है। सो आई क्वाइट लाइक द स्टाइल, क्योंकि काफी ज्यादा ना लाइट वेट है, यहां से एकदम लाइट है एंड आगे जाके एकदम फ्लटर हो जाती है एंड ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती है, जो कि काफी अच्छा सा ना लुक देता है। एंड जैसे कि अभी मैंने विंग आईलाइनर लगाया हुआ है ना, तो ऐसे आईलाइनर्स के साथ ना इस टाइप की लैशेस बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एंड में आपको बहुत अच्छी सी वॉल्यूम दे देती है। सो दिस इज द स्टाइल, काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, एंड ये ऐसा स्टाइल है जो कि सारी आई शेप्स के ऊपर ना अच्छा लगता ही लगता है, इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया था। अगर मुझे अच्छी लगी ना, तो मैं डेफिनेटली इसके और भी स्टाइल्स ट्राई करूंगी, बट मैं आपको अपडेट कर दूंगी अपने मेकअप ट्यूटोरियल में ही, ऑफकोर्स मैं इसको वेयर करूंगी एंड आपको बता दूंगी कि मुझे कैसी लगी है, सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया ये फॉरएवर 52 का वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको मैंने वेट तो कभी भी ट्राई नहीं किया है, मैंने ड्राई जरूर ट्राई किया हुआ है, लेकिन मेरे पास ना शादी से पहले 2-3 साल पहले था, बट आई थिंक वो मैं वही वाले घर में छोड़ आई हूँ, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा वो कहाँ पे है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से ऑर्डर कर लिया। मुझे अमेजोन पे दिखा एंड आई वॉज लाइक कि मुझे ये चाहिए चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा अमेजिंग है ना। एक तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, लाइक अगर आप ड्राई यूज करोगे तो आपको एकदम लाइट सी कवरेज देगा एंड आपका मेकअप तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे से सेट कर देता है, बट आप इसको वेट भी यूज कर सकते। मैंने इसको वेट कभी भी यूज नहीं किया, अगर करूंगी तो डेफिनेटली आपको बता दूंगी कि ये कैसा है, आई एम वेरी श्योर कि ये काफी अच्छी कवरेज देगा वेट यूज करने से। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इधर ऐसे आपको मिल जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मिरर भी मिल रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका ये पफ मिल जाता है, तो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं ताकि अगर ये वेट होता है तो ये अच्छे से ड्राई हो पाए, इसके अंदर गन बैक्टीरियाज वगैरह ना जमा हो। सो यस, इनका भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। ऑफकोर्स फॉरएवर 52 एक ऐसी ब्रांड है जो कि एक्चुअली प्रोफेशनल मेकअप को टक्कर देती है, एंड काफी ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप वो एक्चुअली बनाते भी है, एंड आप देखो इसकी कवरेज कितनी ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी कवरेज है इस कॉम्पैक्ट पाउडर की, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया ये पर्पल कलर का आईलाइनर, एंड ये पर्पल कलर इतना ज्यादा सुंदर है ना, इसका मैंने पहले ना एक लाइक टील ब्लू कलर भी ट्राई किया था, वो भी बहुत ही ज्यादा, उसका मैंने एक दिवाली मेकअप किया था, अंडर आईज के ऊपर लगाया था, एंड इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था, कई लोगों को नहीं भी अच्छा लगा था क्योंकि काफी ज्यादा बोल्ड था, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। सो यस, तो इसको भी मैंने इसीलिए ही मंगवाया ताकि मैं इसको अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में यूज कर पाऊँ। ऑफकोर्स मैं रेगुलर बेसिस पे भी करती हूँ ऐसे बोल्ड मेकअप, ये ऐसी चीज है ना कि अगर लाइक मैं नॉर्मल किसी डिनर पे भी जा रही हूँ, कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ ना, तो इसको जस्ट अप्लाई कर लो ना आईज के ऊपर, तो एक पॉप ऑफ कलर आ जाता है एंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। आप देखो कितना प्यारा सा
लैवेंडर पर्पल कलर है, क्रीमी बटरी, बहुत अच्छी पेंसिल्स है। एंड ब्रांड तो मैंने बताया ही नहीं, दिस इज बाय एले गर्ल। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स प्राइस वगैरह के साथ, अगर आपको लेना आप ले सकते हो। एंड ऑफकोर्स सारे प्रोडक्ट्स के ना परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आपको परचेज करने तो आप डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हो। आईलाइनर की बात करें तो मैंने एक और आईलाइनर मंगवाया था, दिस इज बाय कलर बार। एंड गाइस दिस आईलाइनर इज सो नाइस, आई थिंक जितने भी मैंने मेकअप आर्टिस्ट का सुना है ना, उनको ये आईलाइनर तो अच्छा लगता ही लगता है। लाइक वो एक्चुअली अपनी ब्राइड्स पे ये आईलाइनर यूज करते हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, 24 आवर्स इसका स्टे ये क्लेम करते हैं। मैंने ऑफकोर्स 24 आवर के लिए तो नहीं ट्राई किया, बट इसका वाटरप्रूफ मैंने जरूर ट्राई किया था। कैसे, जब ये आया था ना तो मैंने इसको हैंड वॉश किया था, एंड हाथ तो हम कितनी बारी धोते हैं, आईज तो इतनी बारी नहीं धोते, हाथ बहुत ज्यादा बारी धोते हैं, तो ये हाथ से मैंने हटा ही नहीं था। इवन तो मैंने सोप वाटर से भी हाथ धोया, ऑफकोर्स सोप वाटर से ही धोती हूँ मैं। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी, एकदम जेट ब्लैक आईलाइनर है। तो ऑफकोर्स अगर आपको एक नया आईलाइनर ट्राई करना है जो एक्चुअली बहुत ज्यादा जेट ब्लैक हो एंड वाटरप्रूफ हो, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। आप देखो कितना ज्यादा डार्क और पिगमेंटेड लाइनर है। ओके सो नेक्स्ट मैंने ली दो फ्रेग्रेंस, एक तो लाइक मेरा स्टेपल है, लाइक वो मैं हमेशा लेती लेती हूँ। पहले हम ये वाले की बात कर लेते हैं, ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया है, दिस इज द प्योर सेंस का इन द वेरिएंट काम। तो ये मुझे काफी ज्यादा, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो में देखा था, तो ये काफी अच्छा है, लाइक मेरी प्रेफरेंस का नहीं है, काफी ज्यादा स्वीट लगा मुझे, बहुत ज्यादा स्वीट सी फ्रेग्रेंस है इसकी, बट इसका मिस्ट काफी अच्छा है डेफिनेटली, एंड स्टे भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको अप्लाई किया था एंड ये काफी देर तक लाइक लिंगर करता रहा था, बट मुझे इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस इसकी लगी नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है ना, फिर आपको ये अच्छा लगेगा। सेकंड वन जो कि एक्चुअली मेरे स्टेपल है, आप मुझे कभी भी कहीं भी रैंडमली मिल जाओगे ना, तो मैंने ये तो लगाया ही होगा, दिस इज द टाइटन का परफ्यूम इन द वेरिएंट सेलेस्ट। एंड दिस गाइस इज माय फेवरेट परफ्यूम, लाइक दिस इज मी इन अ बॉटल, एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक मेरी ऐसी वाइब है, मुझे इस टाइप के बहुत ही, इस टाइप की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगती है। जस्ट लव 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 दिस वन, ये बहुत ही सही है, एंड एक्चुअली इसका स्टे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लिंगर भी करती है। इसके ना छोटे छोटे टेस्टर्स भी आते हैं, तो आप डेफिनेटली टेस्टर भी ट्राई कर सकते हो। एंड इसी लाइक टाइटन वाले में ही ना एक आता है न्यूड वेरिएंट में, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सा है वो भी। तो आप ये दोनों जरूर ट्राई करना, कहीं भी जाओ ना, लाइक किसी भी मॉल वगैरह में जाओ, तो इसका टेस्टर लेके जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा डेफिनेटली। ओके गाइस, अगर आपको चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक, लाइक अगर आप चाहते हो आपके लिप्स ना एकदम पिंक रहे थ्रू आउट द डे, तो आप डेफिनेटली ना ये जरूर ट्राई करना, दिस इज द ज़ियान एंड माइज़ा का माय ह्यू पीएच लिप टिंट। गाइस दिस इज सो अमेजिंग, एक तो ये बहुत ज्यादा ना हाइड्रेटिंग है, अगर दिस इज काइंड ऑफ अ लिप बाम एक्चुअली, अगर आपके लिप्स चैप हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो आप जस्ट इसको अप्लाई करो। लाइक इसको अप्लाई करने के बाद ना आपके लिप्स जो है ना वो टिंटेड हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं बेसिकली, सो दिस इज रियली नाइस। आप देखो इसको अप्लाई करने के बाद इसमें कोई भी लाइक ऐसे पिगमेंट नहीं है, बट ये एक ना ह्यू दे देता है, क्योंकि इट इज अ पीएच स्टिक। तो पीएच स्टिक में क्या होता है, जितना आपका बॉडी में वार्म्थ होता है ना, उतना ये पिंक होते जाता है। आप इस हॉल में से ना इसको तो जरूर ही ट्राई करना, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा है एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, बहुत महंगा भी नहीं है। सो नेक्स्ट मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का ब्लशर, क्योंकि मैं करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, तो मुझे एक ब्लशर लेना था अच्छा सा पीची कोरल टोन में, तो मैंने ये वाला ले लिया। दिस इज इन द शेड 01 कोरल ड्रीम, काफी ज्यादा प्रिटी सा कलर है। मैंने इसको अभी तक चीक्स पे अप्लाई नहीं किया है, ऐसे भी नहीं करके देखा एक्चुअली, सच्ची बताऊं तो मैं, काफी ज्यादा ऑरेंजी सा कोरली सा कलर है, क्योंकि समर्स में आई थिंक इस टाइप का कलर ज्यादा अच्छा लगता है, अभी तो विंटर सीजन है तो पता नहीं कैसा लगेगा, बट काफी प्रिटी सा कलर है। एंड क्योंकि मुझे एक वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करना था स्विस ब्यूटी का, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। इवन दो स्विस ब्यूटी के मेरे पास बहुत सारे ब्लशेस है, बहुत सारी पैलेट्स भी है, बट फिर भी मुझे एक नया चाहिए था, क्योंकि नए मेकअप की चुल्लो थी मुझे। सो नेक्स्ट मैंने लिया था ये फिजिशियंस फॉर्मूला का बटर ब्रॉन्जर। इसके बारे में तो लाइक मैं सिंस जब से मैं मेकअप में एंटर हुई हूँ ना, 5-6 साल हो गए मुझे मेकअप की इस लाइन में, मेकअप इंडस्ट्री में, मैं इस बटर ब्रॉन्जर के बारे में इतना ज्यादा सुन रही हूँ ना, बट मैंने कभी ये लिया नहीं, क्योंकि पहली बार, पहले तो ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, फिर ये नायका के ऊपर आया तो ये ना 1200-1300 का था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको लेने का, कि मैं बटर ब्रॉन्जर, लाइक मैं ब्रॉन्जर में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करूँ। बट फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो अमेजोन पे ना काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे आया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर ही लिया फाइनली, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट, क्योंकि एक तो इसकी ना फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है ना, ऑल्सो द गुड थिंग इसके अंदर ना शेड्स भी आते हैं, क्योंकि नॉर्मली ब्रॉन्जर्स में ना ज्यादा शेड नहीं आते, एक ही शेड होता है डार्क सा, बट दिस इज रियली नाइस। तो इसको एक्चुअली फेयर स्किन टोन वाले इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा ना डार्क सा भी नहीं लगेगा, बहुत इंटेंस सा ब्रॉन्जिंग या फिर कॉन्टोर इतनी इंटेंस नहीं लगेगी, सो आई लाइक इट। ऑल्सो इसके अंदर ना ये बहुत ही क्यूट सा ऐसे ब्रश भी आता है,
तो ये इजिली आपके लाइक आप इसे इजिली नोज की कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, फेस की कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो. ओके लास्टली मैंने बहुत ज्यादा रैंडम सी चीज ली है, दिस इज द लेग्स शेप के फेशियल रेजर्स. क्योंकि एक्चुअली अगर आपको नहीं पता मेरे फेस के ऊपर ना लेजर हुई हुई है, बट अभी क्योंकि प्रेगनेंसी में लेजर नहीं करवा सकते थे तो इसे मैंने बहुत टाइम से लेजर नहीं कराई हुई थी. एंड ऑफकोर्स क्योंकि लाइक लेजर से ना बहुत ज्यादा हेयर की रिडक्शन होती है, हेयर लाइक रिमूव नहीं होते, रिडक्शन हो जाती है, तो कई कई छोटे 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 हेयर्स ना आ जाते हैं. एंड लेजर में आप फेस पे रेजर मार सकते हो, लाइक कितना ज्यादा ना टंग ट्विस्टर सा हो गया लेजर रेजर. तो अलाउड होता है, वैक्स नहीं अलाउड होता, क्योंकि अगर वैक्स करो तो दोबारा से हेयर ग्रोथ हो जाती है. तो इसलिए मैंने ये फेशियल रेजर्स मंगवाए थे, क्योंकि छोटी छोटी हेयर ग्रोथ मेरी आ गई है. क्योंकि अभी थ्रू आउट प्रेगनेंसी लाइक 9-10 मंथ्स हो गया मुझे लेजर लिए हुए, तो मेरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है. तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं ताकि ठीक ठीक आराम से दोबारा कर सकूं. एंड ऑफ कोर्स अभी 1-2 महीने में मैं दोबारा से अपने सिटिंग्स लेनी शुरू कर दूंगी. एनीवे गाइस, दिस इज व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम अमेज़न. एंड अगर आपको चाहिए लिंक्स तो वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड ऑल्सो गाइज, अभी आने वाली बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सी वीडियोस, क्योंकि बेबी बाहर आ चुका है. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम अ हैप्पी प्राउड मदर. सो यस, आई एम अ मदर नाउ. मुझे ऐसे ना विश्वास नहीं होता दैट आई एम अ मदर टू अ वेरी क्यूट चाइल्ड. एंड ऑफ कोर्स अभी हम फेस रिव्यू वीडियो भी डेफिनेटली 1-2 दिन में डालने वाले हैं, तो आप वो भी देख लेना व्लॉग चैनल के ऊपर. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में लिंक आ जाएगा व्लॉग चैनल का. तो अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं लाइक बिहाइंड द सीन, लाइक मेरे बेबी को देखना है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो. एंड यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक इट देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.